अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग पूछते हैं, लोग उन्हें कानूनविद मानते हैं, उन्हें ज्ञाता मानते हैं, उन्हें अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन आज भी कई लोग उनके सबसे मजबूत पक्ष के बारे में यानी उनकी वकालत के बारे में नहीं जानते। अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी कि वो चाहते तो देश की किसी भी पद पर अपना दावा पेश कर सकते थे, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब अंबेडकर यौन शिक्षा से जुड़ा एक केस हार गए थे और उन्हें 200 रुपए का जुर्माना तक भरना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज के वीडियो में मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगी जब यौन शिक्षा से जुड़े एक मामले में बाबा साहेब कोर्ट में केस हार गए थे, लेकिन उनके तर्कों में इतना दम था कि आज भी उसकी मिसालें दी जाती हैं, आज भी उसकी चर्चा होती है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बात है 20वीं सदी के शुरुआत की, जब महाराष्ट्र के रघुनाथ थोड़ो कर्वे अपनी पत्रिका समाज स्वास्थ्य के लिए रूढ़िवादियों के निशाने पर रहते थे। कर्वे अपनी पत्रिका में हमेशा ही यौन शिक्षा, परिवार नियोजन, नग्नता, नैतिकता जैसे उन विषयों पर लिखना पसंद करते थे, वो भी उस दौर में जब भारतीय समाज में ऐसी बातों का जिक्र करना भी पाप समझा जाता था। स्वस्थ यौन जीवन और इसके लिए चिकित्सा सलाह पर केंद्रित अपनी पत्रिका में कर्वे ने इस संवेदनशील मुद्दे पर निडरता पूर्वक चर्चा की। वो तर्क संगत और वैज्ञानिक बातें लिखा करते थे। रूढ़िवादियों की परवाह किए बिना वो लिखते और उनसे लड़ते गए, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि तब भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा इतना मजबूत नहीं था कि वो कर्वे का पक्ष ले सकता, और ऐसे में बाबा साहेब अम्बेडकर कर्वे के लिए मसीहा बनकर सामने आए और उनके लिए अदालत में वकालत की। ये भारत के सामाजिक सुधारों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाइयों में से एक है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। 1931 में कर्वे को पहली बार उनके लेख व्यभिचार के प्रश्न के चलते रूढ़िवादियों ने कोर्ट में घसीटा, जिसमें गिरफ्तारी के बाद उन्हें 100 रुपये का जुर्माना देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय में भी अपील की, लेकिन मामले में सुनवाई कर रहे जज इंद्रप्रस्थ मेहता ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और एक बार फिर साल 1934 में कर्वे गिरफ्तार हुए, क्योंकि समाज स्वास्थ्य का उनका गुजराती संस्करण गुजरातियों को रास नहीं आया था। सवाल सिर्फ हस्त मैथुन और समलैंगिकता के विषय में थे, जिसका कर्वे ने खुलकर उत्तर दिया था। तब समाज में इस तरह की बातें करना अश्लील माना जाता था, लेकिन इस बार कर्वे अकेले नहीं थे। तब मुंबई के एक सदे हुए वकील बैरिस्टर बी.आर. अंबेडकर उच्च न्यायालय में उनके लिए लड़ने को तैयार थे। ये वही समय था जब बाबा साहेब पूना पैक्ट और गोलमेज सम्मेलन में भाग ले चुके थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की दलील 28 फरवरी से 24 अप्रैल 1934 के बीच न्यायमूर्ति मेहता के सामने रखी गई। कर्वे के खिलाफ मुख्य आरोप यौन मुद्दों पर सवालों के जवाब देकर अश्लीलता फैलाना था। कोर्ट में न्यायाधीश ने कर्वे से पूछा कि हमें इस तरह की विकृत प्रश्नों को छापने की आवश्यकता क्यों है, और यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके जवाब ही क्यों दिए जाते हैं। इस पर अंबेडकर ने कहा था कि विकृति केवल ज्ञान से ही हार सकती है, इसके अलावा इसे और कैसे हटाया जा सकता है। इसे लेकर अंबेडकर का पहला तर्क ये था कि अगर कोई यौन मामलों पर लिखता है तो इसे अश्लील नहीं कहा जा सकता, हर यौन विषय को अश्लील बताने की आदत को छोड़ दिया जाना चाहिए। अंबेडकर ने अदालत में इस विषय पर आधुनिक समाज में उपलब्ध साहित्य और शोध का उल्लेख भी किया। समलैंगिक पर हेवलॉक एलिस के शोध का हवाला देते हुए अंबेडकर का मानना था कि यदि लोगों में इस तरह की इच्छा होती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उन्हें अपने तरीके से खुशी हासिल करने का अधिकार है। सबसे खास बात इस पूरी चर्चा में ये थी कि अंबेडकर दो अधिकारों पर बिल्कुल दृढ़ थे। उनमें से पहला था यौन शिक्षा का अधिकार, वो इसके खिलाफ किसी धार्मिक रूढ़िवादी विचार को नहीं आने देना चाहते थे, और दूसरा अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बाबा साहेब अंबेडकर इस बात से सहमत नहीं थे कि यदि समाज का कोई वर्ग
किसी खास विषय पर कोई बात नहीं सुनना चाहता या पसंद नहीं करता तो किसी और को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उदारवादी नवैया अपनाते हुए उन्होंने दृढ़ता से कहा था कि जब हम सभी मुद्दों पर खुलकर बहस और चर्चा करेंगे तभी समाज से विकृतियां जाएंगी, ज्ञान ही इसका एकमात्र जरिया है। हालांकि आर डी कर्वे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1934 की वो लड़ाई अदालत में हार गए। अश्लीलता के लिए कर्वे पर एक बार फिर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन ऐसी लड़ाइयां वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव परिणाम से परे है। हालांकि बाबा साहेब की स्थिति केवल अदालत में तर्कों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि वो उनके राजनीतिक कामों में भी दिखा। कर्वे ने अपने लेखन के माध्यम से परिवार नियोजन की जरूरत पर जोर दिया और अंबेडकर ने एक सांसद के रूप में इसे क्रियान्वित किया। अंबेडकर ने 1937 में तत्कालीन बम्बई क्षेत्रीय सभा में परिवार नियोजन पर एक बिल लाए। इस विषय पर उनका विस्तृत भाषण उपलब्ध है। सामाजिक कल्याण के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा उठाए गए मसले पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।